तुम्हें संसार में इस काम के लिए भेजा गया है कि तुम एक तो अपना काम अच्छे से करो जो कर रहे हो, अपना घर संसार उसे देखो, और उसके अलावा जब भी मौका मिले तो जो दुख में है ना उससे थोड़ी देर बातें कर लो, उसे तुम मेरे रास्ते पर खींच कर लगा दो। याद रखना, तुम पूरे मन से जिसके लिए विनती करोगे जरूर स्वीकार होगी, और इसलिए कभी भी किसी के लिए विनती करो तो बहुत सोच समझ कर करना। तुम मेरे बहुत करीब हो इसलिए तुम्हारी बातें मैं जल्दी सुन लेता हूँ, ये सच है। तुम जो अपने लिए कहते हो और तुम जो दूसरों के लिए कहते हो वो सब मैं सुन लेता हूँ। अगर तुम मुझे कोई उपहार देना ही चाहते हो तो फिर कोई वस्त्र मत दो, देना है तो मुझे अगरबत्ती दो, मेरे मंदिर आओ, मेरे दर्शन करो और अगरबत्ती रख कर चले जाओ। मेरी सचरित्र को पढ़ना मत छोड़ना, अगर बहुत थक भी जाओ ना फिर भी एक वाक्य ही सही पर पढ़ो जरूर। देखो, औरों का मत सोचो, मैं सबसे ये काम नहीं करवाता, लेकिन अगर तुमसे कह रहा हूँ तो कोई मतलब है। तुम्हारे छुपे हुए सवालों के जवाब वहाँ से निकलेंगे। तुम पढ़ना शुरू तो करो, तुम्हारे परिवार में बहुत मधुरता आएगी। अभी जो लोग गलत हैं और जिसकी वजह से गलत हुए हैं उन सबको अभी बहुत कुछ समझ आएगा, बहुत सारी सच्चाई दिखेगी। एक आध ऐसे लोग होंगे जो सब सच जानकर भी घमंड में चूर रहेंगे, लेकिन जो तुमसे सच में प्यार करते थे ना, मैं उन्हें तुम्हें लौटा दूंगा। तुम्हारा दर्द मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे जीवन में प्यार करने वाले लोगों को अलग अलग रूप में मैं भेजूंगा, और समझ लेना वहां से तुम्हारा साईं तुम्हें प्यार दे रहा है। रोज मुझसे नए नए वादे चाहते हो, रोज चाहते हो कि मैं तुमसे ये कहूँ कि बच्चा मैं तुम्हारे घर आऊंगा, रोज चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ नई अनुभूतियां दूं, रोज मुझसे तुम बहुत कुछ चाहते हो, मैं करता भी हूँ। लेकिन अगर आज मैं कुछ चाहता हूँ तो बताओ तुम करोगे मेरे लिए? तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, मुझ पर बहुत विश्वास करते हो, बहुत सच्ची भक्ति करते हो, लेकिन मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ, मेरी सचरित्र का प्रचार प्रसार करो जितना तुमसे बन पड़े। और एक बात का ध्यान रखो, अगर मंदिर जाओ तो दान पेटी में कुछ डालो या ना डालो, पर जो मेरी सेवा करते हैं, जिन्हें तुम पुजारी कहते हो या सेवक कहते हो, उन्हें तुम कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दो। समझ लेना कि उनके हाथ में जो दिया है वो उसी क्षण साईं ने स्वीकार किया है। ये बात मैं तुम्हें हमेशा याद दिलाऊंगा। तुम मेरी सचरित्र का प्रचार प्रसार करो और देखना, तुम्हारे घर पर झोली भर के सचरित्र भेजूंगा, जिसे तुम अपने आसपास जानने पहचानने वालों में वितरण करना। तुम मेरी महिमा का गुणगान करो और देखना, तुम्हारी जिंदगी में बहुत समृद्धि आएगी। इस वक्त जो रिश्ते तनाव में चल रहे हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। खुश रहो, जो काम कर रहे हो बहुत अच्छे से करो, उसे ही अच्छे से करो, इससे ज्यादा काम अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। आराम करो, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ।